गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज अगेन मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ और ये एक ऐसी रेसिपी है कि अगर आपने इसे अपने लंच में या फिर ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में आपने खा लिया 15 दिन तक, तो बॉडी फैट जो है आपका, मतलब मैं यहाँ पे आपके वेट की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे आपके चर्बी की बात कर रही हूँ जो आपके पेट में जमी हुई है, कमर में जमी हुई है, थाइस में जमी हुई है, हिप्स में जमी हुई है, इवन आपके हाथों पे जमी हुई है, यानी आर्म फैट है। तो ये उसको पूरी तरह से पिघला देगा, बहुत अच्छे से पिघला देगा, क्योंकि, और ये भी बता रही हूँ कि क्यों पिघलेगा, बिकॉज इसमें नो कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं है, ये जीरो कार्ब रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन वाले दोनों लोग खा सकते हैं इसे। बहुत ही ट्रेमेंडस वर्क किया है मेरी फैट लॉस जर्नी में इसने और मैंने इसे लंच या तो मतलब दिन में एक जो है मील में इसे ज़रूर ऐड किया है। ये कीटो फ्रेंडली है, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो लोग कीटो डाइट में हैं इसे ये ले सकते हैं। और मैंने आप लोगों के साथ इसकी जो है मॉर्निंग में पिक भी शेयर की हुई थी कि मैं ये लेती ही लेती हूँ, बिकॉज एक टाइम आपको नो कार्ब जो है मील अपनी उसमें ऐड करना चाहिए। इससे क्या है कि आपकी जो भी बॉडी, यानी बॉडी जो है एनर्जी आपकी ही बॉडी से लेता है, और वो किस रूप में लेता है, चर्बी यानी कि फैट रूप में लेता है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में छोटी सी बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस डिश को बनाने के लिए आपको चाहिए गोभी, और आपको इसे बहुत छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है, या फिर मिक्सी में आपको इसे हल्का सा दरदरा कर लेना है, या फिर फूड प्रोसेसर में कर लेना है, और मतलब इस तरह से आपको छोटे, मैंने तो कट किया हुआ है, अगर आप चॉप करना चाहें तो चॉप कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, गोभी के नीचे के जो डंठल है, जो उसका हार्ड पार्ट है, ऊपर से हार्ड पार्ट निकाल के अंदर से सॉफ्ट पार्ट ज़रूर लीजिएगा। और इसके बाद बहुत अच्छे से इसको वॉश करना है। एक चीज़ मैं बताऊंगी, बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि थायराइड वाले गोभी नहीं खा सकते हैं, लेकिन आज मैं जो तरीका आपको बताऊंगी उस तरीके से आप गोभी खा सकते हो, क्योंकि बिकॉज यू नो कि मैं भी एक थायराइड पेशेंट हूँ और मैं इसे ले लूँ। आपको एक पानी चढ़ाना है बाउल में और उसमें नमक डालना है, देन उसके बाद ये सारी गोभी डाल के आपको बॉयल करना है, अच्छे से बॉयल करना है। गोभी थायराइड पेशेंट खा सकते हैं, अपने मन से ये चीज़ निकाल दीजिए कि थायराइड पेशेंट गोभी बिल्कुल नहीं खा सकते, बिल्कुल खा सकते हैं। और इसमें जो है कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो वेट लॉस का, फैट लॉस का ये बहुत ही अच्छा जरिया है, तो इसलिए मैं इसे खाती हूँ और थायराइड का हर पेशेंट इसे खा सकता है। तो आपको ये इसमें डालना है। इससे क्या होगा, पानी में बॉयल करने से क्या होगा, जो भी चीज़ें हमारी थायराइड ग्लैंड को इफ़ेक्ट करती हैं वो इस पानी में आ जाएंगी और हमें एक फ्रेश गोभी मिलेगी जो हमारे थायराइड ग्लैंड को बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं डालेगी। तो इस पानी को आपको यूज़ नहीं करना है, ये पानी आपको फेंक देना है, देन आपको एक फ्रेश गोभी मिलेगी जो थायराइड की ग्लैंड को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो आपको वो पानी से छान के उसे अलग रख देना है, एक पैन चढ़ाना है, उसमें आपको कोकोनट ऑयल डालना है। तो ये जो गोभी मैंने आपको पूरी दिखाई है, ये मेरी 3-4 दिन का जो है वो लंच है, और मैं हमेशा से मील जो है बना के अपने फ्रिज में स्टोर करती हूँ, उससे मुझे जब भी भूख लगती है मैं बना लेती हूँ। और साथ ही साथ ये जो ऑयल है, ये ऑयल मैं 4 से 5 दिन में कंज्यूम करने वाली हूँ, यानी कि 1 चम्मच ऑयल मेरी बॉडी में 3 से 4 दिन में जाएगा। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप रोज़ रोज़ बनाओगे 1/2 चम्मच 1 चम्मच करके ज़्यादा ही हो जाता है। उसके बाद आपको इसमें क्यूमिन सीड्स डालना है, हरी मिर्च डालनी है, मतलब जैसा भी टेस्टी लगे आप उस अकॉर्डिंग बनाइएगा। मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी, प्याज डालूंगी, टमाटर डालूंगी, ढेर सारे मसाले डालूंगी, जो भी मसाले आप खाना चाहते हैं वो खाइए, मतलब इसे आपको डिलीशियस बनाना है और जी भर के खाइए, इसे बहुत टेस्टी लगता है। आप इसमें जो भी मसाले ऐड करना, बस एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको इसमें लहसुन नहीं ऐड करना है, गार्लिक नहीं ऐड करना, बिकॉज गार्लिक में बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, तो गार्लिक नहीं ऐड करना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसलिए मैंने इसमें गार्लिक ऐड नहीं किया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बिकॉज मैं आपको लो कार्ब जो है रेसिपी बता रही हूँ। आपको प्याज डालना है, प्याज को बहुत अच्छे से जो है मतलब ब्राउन करना है, जैसे आप ब्राउन करते हो उस तरह से आपको ब्राउन करना है, और
बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी लोगों के मन में होता है कि गोभी है वो थायराइड पेशेंट नहीं खा सकते, तो ये चीज़ मैं उनके मन से निकालना चाहती हूँ, बिकॉज मैं अपने लंच डिनर आप इसे डिनर में भी ले सकते हो, ब्रेकफास्ट में जैसे मैंने देखा आपने कि मैंने ब्रेकफास्ट में इसे लिया है, तो आप ब्रेकफास्ट में भी इसे ले सकते हो और लंच में भी ले सकते हो, मतलब हर चीज़ में आप इसे ऐड कर सकते हो। ये देखिए मेरा जो प्याज है वो ब्राउन हो चुका है, बनाना और जैसा भी आपके उधर बनता हो, जैसे कि हमारे यूपी साइड में हम ऐसा खाना पसंद करते हैं, बाहर के लोग साउथ के जैसा भी खाना पसंद करते हैं वो वैसा बना के खाएं, तो हर जगह के मसाले हर जगह का टेस्ट अलग है। आप इसमें कोकोनट बार डाल सकते हो, आप इसे कोकोनट नट चटनी के साथ खा सकते हो, बिकॉज कोकोनट भी लो कार्ब का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, उसकी चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हो। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाला है, बहुत सारे मसाले डाले हैं जो हमारे इधर साइड में चलते हैं, जस्ट लाइक टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें डालिए। मैंने ढक दिया है ताकि मसाले जो हैं वो प्याज और टमाटर अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले और उसका एक टमाटर भी अच्छे से उसमें मैश हो जाए। तो ये देखिए टमाटर भी मैश हो चुके हैं और इसके बाद ये जो गोभी थी इसे मैंने रख दिया था छान के, इसका पानी भी अच्छे से सूख गया है। तो डिश खाइए, इंजॉय करिए, बॉडी फैट पूरी तरह से ये गला के रख देगा अगर आपने खाया इसे, बिकॉज नो कार्ब डिश है ये, कीटो वाले भी खा सकते हैं, आप इसे पोहा बोल सकते हैं, कीटो पोहा बोल सकते हैं, गोभी का पोहा बोल सकते हैं, इस तरह की जो नो कार्ब रेसिपी है इस समय मैं आपसे शेयर करती रहूंगी, जिससे कि बॉडी फैट कम करिए। अब बारी है वेट लॉस की, नहीं बॉडी फैट कम करने की, जो मेरे लिए बहुत ही एक सर दर्द बन चुका था, लेकिन आज की डेट मैंने अपना बॉडी फैट भी खत्म कर दिया है और इन सारी चीज़ों से मैंने अपना बॉडी फैट ख़त्म किया है, बैली फैट, आर्म फैट, कमर का फैट, थाइस फैट। तो इस तरह से इसे खाइए, बनाइए, इंजॉय करिए और मेरे साथ पिक्चर जरूर टैग करिएगा इंस्टाग्राम पे, जिसकी आईडी है सुगम सनशाइन। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो दो तीन दिन का ये मेरा हो गया है और इसे मैं निकाल के फ्रिज में रख दूँगी, खाइए। फ्रेंड्स देखा इस डिश को बनाना कितना आसान है, जैसे आप घर में हर चीज़ बनाते हो वैसे ही, इसे कुछ भी मैंने तीन झाम ऐड नहीं किया है, जीरो कार्ब रेसिपी है। अगर ऐड करोगे तो बॉडी फैट जाएगा ही जाएगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इवन आपका अगर वेट नहीं जा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका फैट जाना बहुत ही बॉडी पर फैट जाना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने एक अपना नया चैनल भी स्टार्ट किया है, लिंक ऊपर आपको शो रहा होगा, उस पर भी जाके क्लिक करिए, जहाँ पे मैं हेयर केयर रूटीन, ब्लॉग्स, स्किन केयर रूटीन, अदर बहुत सारी स्टोरेज के कंसर्न में आपसे बात करती हूँ। तो अगर वीडियो जरा सा इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए।